नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एनजीएस में। अच्छा अच्छा है कि एनसीईआरटी गणित लगा रहे हैं। कह रहे हैं दोस्तों, कौन सी बड़ी है? कारण भी लिखिए। 0.3 और 0.4 में कौन सा बड़ा है दोस्तों? 0.4 बड़ा है, यह बड़ा का निशान है। 0.07 या 0.02? 0.07, 3 या 0.8? 3। 0.5 या 0.05? 0.5। 1.23 या 1.2? 1.23। 0.099 या 0.19? 0.19। 1.5 या 1.50? दोनों बराबर हैं। 1.431 या 1.490? 1.490। 3.3 या 3.300? दोनों बराबर। 5.64 या 5.603? 5.64। ठीक है दोस्तों, पांच ऐसे उदाहरण लिखकर उनमें से भी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 0.2 और 0.2 में दोस्तों कौन सा बड़ा है? 0.2, ये होगी पहला। दूसरा हो गया 0.05 और 1/2, दोनों बराबर। तीसरा दोस्तों 0.75 और 3/4, दोनों बराबर है। 0.25 और 1/4, ये दोनों बराबर। पांचवा दोस्तों हो गया 1.20 और 1.201, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है दोस्तों, 1.201। ठीक है दोस्तों, ये क्यों बड़े हैं जो हमने निशान लगाए हैं, क्यों बड़े हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इकाई है, ये इकाई जीरो है और दशमलव के बाद जो तीन है ये क्या है? दशांश, दशांश है, दशांश है तीन। दशांश का मतलब होता है 1/10, यानी 3 × 1/10 करेंगे तो हमें 0.3 मिल जाएगा। और यहाँ क्या है? यहाँ चार है दशांश, तो 3 दशांश, 4 दशांश में कौन सा बड़ा है? 4। यहाँ क्या है दोस्तों? यह इकाई है, ये दशांश है 0.5 के बाद, और ये शतांश है। और यहाँ पे भी यही इकाई जीरो और दशांश जीरो, तो हम बात करते हैं शतांश की। शतांश है दोस्तों यहाँ पे 7, शतांश होता है 1/100। 7 को दोस्तों 1/100 से गुणा करेंगे जब, तो 2 अंक पे 0.5 आएगा, 2 अंक पे 0.5, 0.07 वही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ है 2 शतांश, कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। 3 या 0.8 दोस्तों, यहाँ तो इकाई का ही इतना बड़ा हो गया, इकाई यहाँ जीरो है तो उसके जीरो है दोस्तों, और ये 3 है। मान लीजिए आपके पास 3 बॉल है, मतलब 3 लड्डू है आपके पास मान लीजिए, और आपके पास एक लड्डू भी थोड़ा टूटा हुआ है, 0.8 हिस्सा है, एक हिस्से से भी कम, तो कौन सा बड़ा है? 3 लड्डू बड़े हैं ना, ये तो सीधा सीधा है। यहाँ दोस्तों देखिए 0.5 या 0.05, यहाँ दोस्तों 0.5 है दशांश, दशांश तो बड़ा होता है, और ये यहाँ दशांश जीरो है। ये इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ आपके पास आधा लड्डू है, आधा लड्डू है, और यहाँ आपके पास कुछ कुछ बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा है दोस्तों। आधे को भी आप जब आधे के भी 10 हिस्से करेंगे तो एक मिलेगा हमें, उतना बड़ा, तो आधा बड़ा होता है। यहाँ दोस्तों देखें, यहाँ शतांश जो है 1.2, 1.2 तो दोनों में है, कोई बात नहीं। यहाँ शतांश जो है वो 3 है, यहाँ शतांश क्या है? मान लीजिए यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00, कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी 0.00 बढ़ा सकते हैं। यहाँ शतांश है 0, तो 0 और 3 में कौन सा बड़ा है? शतांश, 3 शतांश बड़ा है, इसलिए बड़ा। यहाँ भी उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ दशांश 0 है, यहाँ दशांश 1 है, तो 1 तो बड़ा ही होगा ना 0 से, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी वही है दोस्तों, यहाँ बराबर है दोस्तों, 1.5 लिखो या 1.500, और यहाँ भी 0.0 बढ़ाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर। यहाँ दोस्तों 1.4 दोनों जगह है, यहाँ 3 जो है शतांश और यहाँ 9 है शतांश, तो 9 बड़ा होता है। यहाँ दोनों बराबर है 0.0, कितना भी बढ़ाओ। यहाँ दोस्तों 5.64 है, 5.60, यहाँ यहाँ दोस्तों शतांश 4 है, यहाँ शतांश 0, आगे का देखने की जरूरत नहीं है, शतांश पे ही हमें बड़ा मिल गया। 5.6 दोनों जगह था, 5.6 दोनों जगह था, इसलिए हम शतांश देख चेक कर रहे हैं। फिर शतांश यहाँ 4 है,
यहाँ 0, तो 4 बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।